स्टमक एसिडिटी, अगर किसी को स्टमक एसिडिटी है तो उसके सुजोक हैंड कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम में कहाँ पर पॉइंट्स हैं। सो पहले तो मेन सिस्टम में आप देखेंगे स्टमक के पॉइंट्स। एज यू नो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बनाया अगर आपने, तो ये आपका स्टमक जोन है और यहाँ लिवर है। सो ये आपका पॉइंट दबाने के लिए स्टमक रिलैक्सेशन स्टमक को मिलेगा, ये आपका स्टमक का पॉइंट है। एंड फिंगर सिस्टम में स्टमक के पॉइंट्स कहाँ हैं? फिंगर सिस्टम आपने जैसे समझा है एक फिंगर में पूरी बॉडी होती है, फेस चेस्ट एब्डोमन। सो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे सारे फिंगर्स में स्टमक के पॉइंट्स कहाँ हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क आप बना दीजिए। स्टमक के पॉइंट्स, स्टमक के पॉइंट्स, स्टमक एंड स्टमक के पॉइंट, ये सारे फिंगर्स में। एंड देन मिनी सिस्टम में अगेन यू हैव वन मोर स्टमक पॉइंट। मिनी सिस्टम में हम इस फैलेंज में पूरी बॉडी को देखते हैं और आपने ये स्टमक, स्मॉल स्टमक, स्टमक, स्टमक। सो मेन सिस्टम में आपके यहाँ पे स्टमक के पॉइंट्स हो गए, ये आपका मेन स्टमक का पॉइंट हो गया और इसके साथ आपका लिवर है। सो ये पॉइंट्स आपके हैं जहाँ पर आपको पेनफुल पॉइंट्स देखने हैं, और ये पॉइंट्स में कहीं एक पॉइंट ऐसा है जो अगर स्टिमुलेट होगा तो एकदम डिजीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। नाउ इट डिपेंड्स कि वो जो पेनफुल पॉइंट है किस जोन में ज़्यादा है, ये आपके पॉइंट्स हैं। अब एक एक करके इन पॉइंट्स को हम चेक करेंगे कि कहाँ पेशेंट को पेनफुल है। सो हमने ये मार्क कर लिया है। सो आप अभी मैंने डार्क इसलिए किया है ताकि आप इसको देख सको, अदरवाइज एक आप बहुत ही पतले पेन से ये निशान बना सकते हैं। एक एक करके आप चेक करेंगे एंड अगर सही पॉइंट दब जाए तो पेशेंट को रिलैक्स आना शुरू हो जाता है। और किसी वजह से अगर आपको, आप बिगनर हैं और आपको नहीं मालूम है कैसे पेनफुल पॉइंट ढूंढना है, कैसे मसाज करनी है, तो आप जनरल सारी मसाज करने के बाद जहाँ पर, जिन जिन जगह पर आपको पेन ज़्यादा हो वो एरिया पर 4 मूंग सीड्स लगा दीजिए। और कई बार तो आप सारे एरियाज में मसाज, जनरल मसाज करने के बाद आप सीड लगा सकते हैं। एक थेरेपिस्ट जब करता है तो वो एक्यूरेटली ढूंढ लेता है कि कहाँ पर वो पेनफुल पॉइंट, पेनफुल पॉइंट वो होता है कि थोड़ा सा भी अगर आप उसको दबाएंगे तो बहुत शार्प पेन होगा। जनरली प्रेशर से तो सब जगह पेन होता है, बट असली पेनफुल पॉइंट ये होता है कि हल्का सा भी अगर उसको दबाएंगे तो वहाँ पेन होगा पेशेंट को, और ये प्रेशर इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि स्किन डैमेज हो जाए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि एक्यू प्रेशर ही ना हो। सो वी नीड टू गिव सम प्रेशर ऑल्सो, बट हियर वी आर रियली कंसर्न कि स्किन डैमेज नहीं होनी चाहिए। सपोज पेशेंट सेज दिस इज मोर पेनफुल, सो दिस इज द टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट। एंड जहाँ ज़्यादा पेन मिल जाए तो वहाँ आप एसिडिटी है तो वहाँ पे ब्लू या ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। एंड मान लीजिए अगर पेशेंट को कहीं पेन मिलता है तो आप 4 मूंग के दाने और वाइट डॉट जो होगा वो स्किन को टच करेगा, मान लीजिए पेशेंट को यहां पर पेन मिला है, मसाज बहुत अच्छी होनी चाहिए। मसाज करने के बाद आप ऐसे टाइप कर देंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पेनफुल पॉइंट कैसा है और आप बिगनर हैं, हमारा एम है आराम मिले, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 4 सीड्स मसाज करने के बाद आप यहाँ पर बांध दीजिए, ऐसे बांध सकते हैं, और नेक्स्ट डे आप मिनी सिस्टम के स्टमक के पॉइंट्स पर 4 सीड्स बांध दीजिए। और जब आप रिंग मसाज करते हैं, क्योंकि हमारी थेरेपी में वार्मिंग अप सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड से पहले रिंग मसाज करते हैं। सो रिंग मसाज करते समय नाउ यू नो कि विच एरिया हैज़ कनेक्शन विद स्टमक पॉइंट, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं। Like this,
लाइक दिस। तो ऐसे आपको सारे एरिया में देना है। एंड ये आपका मेन सिस्टम का बिग स्टमक पॉइंट, सोलर चक्र है यहाँ पर, इस एरिया में अच्छे से मसाज करना। और यहाँ आप अंगूठे से ऐसे प्रेशर कर सकते हैं, एकदम रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। दिन में कई बार आपको ये एरिया स्टमक के पॉइंट्स की मसाज करनी चाहिए। और अगर यहाँ पर थोड़ा पेन मिल रहा है तो इधर भी आप सीड्स लगा सकते हैं। कोई सीड्स जो अच्छे चुभें, मसाज किया खूब अच्छे से, 5-7 मिनट मसाज करने के बाद जनरल एंड देन इस जॉइंट के ऊपर एडवांस साइंस के हिसाब से इस जॉइंट का कनेक्शन स्टमक ऑर्गन के साथ है। सो यहाँ पर रिंग मसाज ज़्यादा करना और एक एक करके पेनफुल पॉइंट चेक करना। अगर कहीं पेनफुल पॉइंट मिल जाता है तो हम वहाँ लगा देते हैं, नहीं तो 4 डायरेक्शन में सीड्स लगा देते हैं। फर्स्ट इज मसाज, ये स्टमक जॉइंट है ट्रायोरिजन के हिसाब से, ये 4 डायरेक्शन में हम सीड्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। सो 1, उसके बाद सेंटर में लगाया एंड वाइट जो डॉट है मूंग की दाल का वो स्किन को टच होएगा। स्टमक डिजीज के लिए ये जॉइंट बहुत अच्छा है, कोई भी स्टमक डिजीज हो। और इसको मसाज, एंड ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही करने हैं, ये सारे एरियाज जो मैंने बनाए बता रही हूँ, इसमें से कोई भी एक एरिया ट्रीटमेंट में आराम दे सकता है। बिकॉज आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर आप स्टमक को अप्रोच कर सकते हैं। और एक एक करके अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो एक एक करके कोई ना कोई जॉइंट को अटेंशन दे सकते हैं। नाउ स्टमक मेरिडियन सुजोक में हमारा ब्योल मेरिडियन, मिडल फिंगर नेल का ये जो कॉर्नर है नियर इंडेक्स फिंगर, ये स्टमक मेरिडियन जॉइंट है। सो इसमें भी हम थोड़ा सा मसाज, इस लाइन के ऊपर हम मसाज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये इतने एरिया में, बस इतने एरिया में स्टमक, एंड इस लाइन में जहाँ आपको पेनफुल पॉइंट मिल जाए वहाँ आप सीड लगा देंगे। गैस, एसिडिटी, पेन्स, स्टमक इनडाइजेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो। सो यहाँ अगर कुछ आपको मिल रहा है पेन तो आप सीड लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर इतने हिस्से में पेपर टेप की मदद से चेन भी लगा सकते हैं। चेन आप टेप ले सकते हैं, जैसे कि ये मैं बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, जिनको अभी अभी जो सीख रहे हैं, थेरेपिस्ट तो बहुत डिटेल में टारगेट ट्रीटमेंट करते हैं तो इतने सीड्स उनके नहीं लगते हैं। बट एज अ बिगनर आप ये करके स्टमक को रिलीफ दे सकते हैं। सो कई बार हम, ये स्टमक मेरिडियन है, हार्मोनाइजिंग के लिए हम ये चेन भी लगा देते हैं, ये वाली लाइन। स्टमक मेरिडियन चेन लगाया और पेशेंट को बोला मसाज फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड ये जो जॉइंट है मिडल फिंगर नेल के नीचे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जॉइंट है। इस जॉइंट के ऊपर ट्विस्ट करना, और जैसे मैंने यहाँ पर 4 डायरेक्शन में सीड्स लगाया तो यहाँ कभी ना लगा के ये चेन राउंड आप यहाँ लगा सकते हैं। ट्रायोरिजन में डाइजेस्टिव सिस्टम का जॉइंट है। सो ये स्टमक मेरिडियन है, कभी यहाँ लगा लिया और कभी ये ना लगा के ऊपर इस फिंगर के नीचे, नेल के नीचे राउंड मेथी की चेन लगा ली।
एंड ज़्यादा एसिडिटी महसूस हो रहा है तो आप इस नीचे वाले जोन पर ब्लैक कलर लगा सकते हो, जहाँ जहाँ मैंने स्टमक के पॉइंट्स बनाए वहाँ पर ब्लैक कलर भी आप लगा सकते हो।